आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्न साधारण ब्याज से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या एक है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज ऐच्छिक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, यदि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है तो 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? तो आइए से हल करते हैं। चूंकि 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर ये 5 रुपया, तो इसलिए 1 रुपये का एक वर्ष में ब्याज, चूंकि हम एक एक नियम से निकाल रहे हैं, तो एक एक नियम में हम पहले एक में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 5/100। इसलिए हमें निकालना है 200 रुपये का, 200 रुपये का एक वर्ष में ब्याज, ये हो जाएगा 5/100 और गुना 200, तो ये 100 से 200 कट गया दो बार में, तो ये हमारा आ गया 10 रुपया, अर्थात 200 रुपये का एक वर्ष में ब्याज होगा 10 रुपये। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर ठीक वैसा ही जैसा पहला नंबर प्रश्न था, आप दूसरे नंबर को ठीक इसी तरह से बनाएंगे। अब तीसरा नंबर है, चलिए इसे मैं बना देता हूं। तीसरा नंबर प्रश्न संख्या 3, यह है 800 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है, तो 800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? तो चूंकि यहां से लिखते हैं, चूंकि 800 का कितने वर्ष में है, एक वर्ष में साधारण ब्याज यह है 80 रुपया, तो ये 800 रुपया में ही निकालना है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का होगा तो 5 गुना हो जाएगा इसका, 5 गुना 80 यानी 400 रुपया। तो यहां हमारा तीसरा का आंसर आ गया 400 रुपया। अब प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। ये है 700 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 30 रुपया है, तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा? तो आइए इसी तरह से हम इसे भी हल करते हैं। चूंकि 700 रुपये का एक वर्ष में 1400 रुपये का साधारण ब्याज बराबर 30 रुपया, इसलिए 1 रुपये का एक वर्ष में साधारण ब्याज हो जाएगा 30/700। अब हमें निकालना कितना है, 1400 रुपये का, तो 1400 रुपये का कितने वर्ष में, 3 वर्ष में साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा 30/700। अब 1400 का होगा, यहां एक का इतना था तो 1400 का होगा, तो ये 1400 गुना हो जाएगा। अच्छा, यहां एक वर्ष में था और यहां 3 वर्ष में ले रहे हैं, तो फिर ये 3 गुना हो जाएगा। तो ये 700 से हम यहां 1400 को दो बार में काटते हैं। अब हमारा आ गया कितना, 30 दूनी 60 यानी 180, यानी ये साधारण ब्याज हो गया 180 रुपये। प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सूत्र का इस्तेमाल करना है, और साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग जानते हैं, PRT/100, जहां P है मूलधन, R है दर और T है समय।
यानी मूलधन गुने दर गुने समय। तो आइए इसका पहला नंबर प्रश्न हम हल कर रहे हैं। तो यहां मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, यानी पी 400 रुपया, समय है 2 वर्ष और आर है 3%। तो एसआई यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया एसआई यानी साधारण ब्याज का पी आर टी बटे 100। तो अब इसका मान हम बैठा देते हैं, पी का यहां मान है 400, आर का मान है 3 और टाइम है 2/100। तो ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य और ये शून्य कट गया। तो हमारा क्या बच गया यहां पर, 4 3 12 2 24 रुपया। तो ये हमारा साधारण ब्याज आ गया 24 रुपया। बाकी सारे प्रश्न इसी तरह से हल होंगे। यहां पर सिर्फ एक ध्यान देना है कि यहां दर है 3.12%, यानी मिश्रित भिन्न में है, इसे हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 3 2 6 और 1 7/2। ये 7/2 हम दर की जगह ये मिश्रित भिन्न नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ये विषम भिन्न 7/2 को लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 600 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन का हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज, अर्थात मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। इससे पूर्व के प्रश्न में भी, प्रश्न संख्या 2 में भी हमने साधारण ब्याज निकाला था, तो आइए फिर से निकालते हैं। तो ये मूलधन दिया है 600 रुपया, दर है 3%, समय है 4 वर्ष और हमें साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालना है। हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का पी आर टी बटा 100। तो यहां पी कितना है हमारा, यानी मूलधन कितना है, ये मूलधन हमारा है 600 रुपया और दर है 3 और समय है 4/100। ये शून्य, ये शून्य और ये शून्य, ये शून्य कट गया। अब बच गया ये 6 3 18 18 4 72 रुपया। तो हमारा साधारण ब्याज आ गया 72 रुपया। तो अब चाहिए क्या हमें, मिश्रधन। इसलिए मिश्रधन बराबर मूलधन, ये है 600 रुपया और ब्याज हमारा आ गया है 72 रुपया। तो ये हो गया 672 रुपया। तो हमारा यहां साधारण ब्याज भी निकल गया और ये मिश्रधन भी निकल गया। बाकी सारे प्रश्न इसी तरह से बनेंगे। यहां प्रश्न संख्या 2 में ये समय 146 दिन दिया हुआ है, तो इस दिन को हम वर्ष में बदल लेंगे। तो यहां पहले से बदला हुआ है, 146 दिन बराबर 2/5 वर्ष। और अगर आपको दिन दिया हुआ है तो देखिए किस तरह से बदला गया है, वो भी देख लीजिए। 146 बटे को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो ये बटा 365 हो जाएगा, और 73 से अगर काटेंगे तो ये 2 बार और ये 5 बार, यानी 2/5 आएगा। तो ये 2/5 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह से जब भी प्रश्न में दिन दिया हो तो उसे 365 से भाग दे के हम वर्ष में बदल लेंगे। प्रश्न संख्या 4, 5600 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज दे होगा। यहां हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, रेट। तो हमारा दर का फॉर्मूला क्या होगा, हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे दर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एस आई इंटू 100/P/T। यह हमने इसी साधारण ब्याज के फॉर्मूला से इसे निकाला है। यहां 3 फॉर्मूला हमने निकाला है, मूलधन का, दर का और
समय का। ये तीनों इसी जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है इसी से निकाला गया है। तो यहां हमें दर निकालना है। दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, दर निकालना है। तो दर का हमारा जो फॉर्मूला है वो एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। तो हम बैठाते हैं मान, तो हमारा यहां पर साधारण ब्याज है 280 रुपया, 280 गुना 100 और मूलधन दिया हुआ है हमारा 5600 और समय है 2 वर्ष। तो हम देख रहे हैं ये शून्य और ये शून्य, ये हमने काट दिया, ये शून्य और यहाँ ये दो शून्य काट दिया, तो यहाँ बच गया 56 और यहाँ 280। अगर हम इसे 28 से काटते हैं तो ये 10 बार में हो जाता है और ये 2 बार में। पुनः इस 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा 5/2, अर्थात ये हो गया दर हमारा 2.12%। तो ये हमारा दर आ गया। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपया ब्याज के रूप में देती है, बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। यानी यहां मूलधन हमें चाहिए, क्या क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 8%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और ब्याज दिया हुआ है 72 रुपया। तो हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन का हमारा फॉर्मूला क्या है, एस आई गुने 100 बटे आर इंटू टी। तो आइए मान को बैठाते हैं। तो एस आई हमारे यहाँ कितना है, 72 रुपया और ये 100 गुना 100 बटा आर है हमारा 8 और ये है समय 3। तो आइए इसे काटते हैं, 8 × 72 और 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9। तो ये आ गया हमारा 300 रुपया। तो ये हमारा मूलधन निकल गया 300 रुपया। प्रश्न संख्या 6, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 रुपया हो जाएंगे। तो यहां ये 500 हमारा क्या है, मूलधन है, ये समय हो गया और ये क्या है, ये मिश्रधन है यानी अमाउंट है और हमें दर निकालना है। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, 605 और मूलधन है 500, तो ये कितना हो गया, 105 रुपया। टाइम यहां दिया हुआ है और दर निकालना है। तो दर का हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुने समय। आइए सब मान बैठाते हैं। साधारण ब्याज हमारा हो गया 105 रुपया गुना 100 और ये पी क्या है, मूलधन 500 रुपया है और समय कितना है हमारा, 3 वर्ष। तो ये 2 शून्य और ये 2 शून्य तो कट गया और ये 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 और 5 × 5 और ये 21 हो गया और ये 3 से काटेंगे तो 7 बार में, यानी हमारा दर आ गया कितना, 7%। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएंगे। यहां फिर से ये क्या है, पी है मूलधन, ये आर है और ये है अमाउंट। तो पहले तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ये होगा मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन है हमारा कितना, 330 और ये मूलधन 250। तो ये घटा के हमारा कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये घटा के आ जा रहा है 80 रुपया।
ये हमारा आ गया 80 रुपया, और ये आर है हमारा 8%। तो हमें टाइम निकालना है, समय। तो फॉर्मूला टाइम का क्या है, साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो यहां बैठाते हैं, साधारण ब्याज हमारा कितना है 80 रुपया, और ये गुना 100, और मूलधन कितना है 250 रुपया, 250, और दर है 8। तो ये शून्य तो कट गया, और ये 8 और ये 8 कट गया, ठीक है। तो ये 25 से कितना गया, 100 में 4 बार, तो हमारा टाइम आ गया 4 वर्ष। अब प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं, सॉरी 8 देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 8। कितने वर्षों में 400 रुपया पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया हो जाएगा। तो ये तो हमारा है मूलधन, ये पी हो गया, ये आर हो गया, और ये एस आई हो गया। तो हमें समय निकलना है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है 400 रुपया, और दर है 14 रुपया, ब्याज दिया हुआ है 112 रुपया। तो समय निकालना है, तो समय का हमारा फॉर्मूला क्या है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो ब्याज हमारा कितना है 112 गुना 100, और मूलधन हमारा है 400 रुपया, और दर है 14 रुपया। ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया, और 4 से हम 112 को काटेंगे, तो 4 दूनी 8 और 3 ये 32 बचा, तो 4 8 32 28, और ये 14 से अगर हम 28 को काटेंगे तो 2 बार में हो जाएगा। तो हमारा समय आ गया 2 वर्ष। तो ये जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज के लिए, मूलधन के लिए, दर के लिए और समय के लिए, इसे आप याद कर लें। इसी की सहायता से इस जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का, उसके सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे।